नमस्कार पीएमसी हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में मैं डॉक्टर संजन आप सभी का स्वागत करता हूं यहां पर हम सीखते हैं अपने स्वास्थ्य का केयर करना खुद अपने ध्यान के अभ्यास से और ध्यान से जुड़ी हुई आध्यात्मिक तरीकों से ऊर्जा और आध्यात्मिक तरीक़ों से जिसमें किसी दवा का यूज नहीं होता हम अपने भीतर के रिसोर्स सिस्टम मन और नाड़ियों चक्रों पर काम करते हैं ऊर्जा और मन में भी मुख्य रूप से हम मन पर काम करते हैं हर एक चीज़ के शुरुआत मन से होती है हमारी बीमारी की शुरुआत मन से होती है तो अगर बीमारी की शुरुआत मन से हुई है तो स्वास्थ्य की शुरुआत भी मन से ही हो सकती है सात अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सभी तरफ स्वास्थ्य के लिए जागरूकता फैलाई जाती है आज का हमारा एपिसोड स्वास्थ्य दिवस पर को समर्पित है हम समझें स्वास्थ्य क्या है और स्वस्थ होने के लिए स्वास्थ्य को पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं हेल्थ शब्द जो है उसको समझना जरूरी है उस टॉपिक को हेल्थ को अगर हम हिंदी में देखें तो हेल्थ का हिंदी आता है स्वास्थ्य जो हेल्दी होते हैं उन्हें कहते हैं स्वस्थ हिंदी भाषा या कोई भी भारतीय भाषा जो संस्कृत से आई है वो अधिक रिच लैंग्वेज है वहाँ पर आपको खूबसूरत शब्द खूबसूरत जिनका जिनके अंदर मीनिंग होती है वो आपको मिल सकता है हेल्थ सबसे ज्यादा अच्छा स्वस्थ शब्द है क्योंकि तो स्वस्थ शब्द को अगर आप संधि विकसित करते हैं तो आता है स्वयं में स्थित जो व्यक्ति अपने आप में सेंटर्ड है स्वयं में स्थिर है वो स्वस्थ है वो हेल्दी है यानी कि आपका मन बाहर नहीं भटकता आप दुनिया की चकाचौंध में नहीं नहीं जाते अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करते आप अपनी जिंदगी के साथ खुश हैं आप अपने आप में मस्त रहते हैं आप अपने आप को जानते हैं नो दाई सेल्फ स्वयं को पहचानो ये अध्यात्म का सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन है को हम को अहम कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं जो ध्यान की साधना है जो आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से ध्यान को अपने जीवन में अपना रहे हैं अपने आप को जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं ये जीवन क्यों है इस जीवन का उद्देश्य क्या है तो वो ये सवाल लेके चलते हैं कि मैं जानूँ मैं कौन हूँ को अहम को अहम को हम को हम हम अगर उपनिषद पढ़ते हैं तो हमें यह सब बातें पता चलती हैं हमारी संस्कृति में उपनिषद बहुत हमारी सभ्यता की धरोहर है जिसे अगर हम पढ़ा करें तो हमें अध्यात्म के बारे में जीवन के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा तो हमें जानना चाहिए कि हम हैं कौन सामाजिक धारणा सामाजिक मान्यता यह कहती है कि हम तो शरीर हैं क्योंकि हम आईने में देखते हैं तो हमें शरीर दिखता है हमें चोट लगती है तो शरीर से खून नहीं बहता है कोई पुकारता है तो हमें नाम से पुकारता है तो हम अपने आप को नाम समझने लगते हैं जो नाम है वो संबोधन है अगर जिस समय आपका नामकरण रखा गया माता पिता के द्वारा या किसी घर में और किसी दूसरे बड़े के द्वारा अगर आपका नाम कुछ और होता तो आज तो आप किसी और नाम से पुकारा जाता तो नाम तो आप नहीं हैं नाम तो यूज होता है सोशली हम नाम से अधिक हैं तो खुद को जानना जरूरी है जब खुद को जानते हैं तो स्वयं में स्थित होते हैं तो स्वस्थ शब्द बहुत आध्यात्मिक स्वस्थ शब्द में ही अध्यात्म छिपा है जब तक हमारे जीवन में ध्यान साधना ना हो जब तक हमारे जीवन में ये, ये खोज नहीं हो कि हम खुद को जाने कि मैं कौन हूं तो स्वस्थ होना असंभव है यस हेल्थ कभी भी बाहरी संसाधनों से नहीं आ सकता हेल्थ सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी संसाधनों को प्रॉपर यूज करने से ही आ सकता है अंदरूनी संसाधन क्या हमारे भीतर जो चक्राज हैं जो ऊर्जा है जो ऊर्जा की नाड़ियां हैं वो संतुलन में रहे हमारे भीतर जो मन है मैं फिर से चलता हूं उपनिषद पे, तैतरी उपनिषद जहां पे हमारी बनावट को पांच स्तर पर बांटा गया है अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश कोश का मतलब होता है शरीर तो ये पांच लेवल पर शरीर है ये पांच शरीर पांच उंगलियों जैसे अलग अलग नहीं है ये ओवरलैपिंग है सबसे स्थूल है हमारा अन्न से बना हुआ अन्नमय कोश जो भी हम रोटी चावल हण ले करते हैं उससे हमारा बनता है अन्नमय कोश जो हमारे शरीर का वजन है लेकिन अगर यह हम मान के चलते हैं आप कि, अगर, कि आप सिर्फ अन्नमय कोश हैं अगर सिर्फ शरीर है तो आप स्वस्थ कभी नहीं हो सकते स्वस्थ होने के लिए आपको स्वयं को जानना चाहिए कि आप हैं क्या तो आप अन्नमय कोश के साथ साथ प्राणमय कोश हैं प्राण प्राणमय कोष में प्राण होता है अन्नमय कोष अन्न से बनता है प्राणमय कोश प्राण ऊर्जा से बनता है जो हम श्वास लेते हैं श्वास में हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते सिर्फ हवा नहीं लेते उसके साथ प्राण ऊर्जा लेते हैं इसीलिए नेचर में प्रकृति में जाने का महत्व बताया गया है कि अगर हम प्रकृति में जाएंगे तो हम ताजी हवाओं में ढेर सारी प्राण ऊर्जा सांसों के माध्यम से अपने भीतर लेंगे सिर्फ ऑक्सीजन परपस नहीं होता जब हम प्रकृति में जाते हैं तो मुख्य परपस है कि हमारे भीतर प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ता है तो प्राण ऊर्जा को हम समझें यहां पर जो मैं एनर्जी मेडिसिन एक्यूप्रेशर की बात करता हूं उसमें हम सूर्य प्राण और पृथ्वी प्राण के कॉम्बिनेशन को रेशियो को प्रोपोर्शन को समझते हैं और उसके अनुसार किस बीमारी में कौन से प्राण ऊर्जा पर काम करना है वैसा काम करते हैं जब मैं आपको कलर थेरेपी बताता हूँ तो मुख्य रूप से दो कलर थेरेपी आती है लाल रंग की और काले रंग की अगर पृथ्वी प्राण को बढ़ाने की जरूरत है तो काला रंग यूज होता है अगर सूर्य प्राण को बढ़ाने की जरूरत है तो लाल रंग यूज होता है इसके अलावा ग्रीन कलर और येलो कलर भी है ब्राउन कलर भी है लेकिन फंडामेंटली दो रंग है क्योंकि दुख क्योंकि हमारे भीतर दो तरह की प्राण ऊर्जा है सूर्य की प्राण ऊर्जा और पृथ्वी की प्राण ऊर्जा तो यह प्राण में कोश की बात है फिर प्राणों का एक विभाजन प्राण अपान उदान समान और व्यान के रूप में भी है तो उनको हम हस्त मुद्राओं से संतुलित कर सकते हैं प्राण मुद्रा पृथ्वी मुद्रा सूर्य मुद्रा अपान मुद्रा उन मुद्राओं पे भी यहां पर बात की जाएगी प्राणमय कोश के अलावा हमारे पास मन है मनोमय कोश मन अभी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आपके बैक मन में बैकग्राउंड में कुछ चिंतन मन चल रहा होगा हाँ डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं कुछ बातें नहीं होंगी तो अच्छी ऐसा तो कभी नहीं सुना कुल को अगर विश्वास नहीं आ पा रहा होगा अच्छा हम बिना दवाई सब चीज ठीक कर सकते हैं तो क्वेश्चन भी किसी किसी के मन में आ सकता है तो ये विचार जो चलते हैं जो हम बातें पहले से सुने हुए हैं उसको हम जल्दी विश्वास कर पाते हैं जो बिल्कुल नहीं होती है उसको कभी कभी विश्वास करना मुश्किल होता है तो ये जो विचार है जो विश्वास है इन विचारों का जो पैटर्न है उससे हमारा मन बनता है मनोमय कोश मानसिक शरीर मनोमय कोश को हम समझें कि मेरे मन के भीतर क्या क्या है मुख्य रूप से मन के भीतर दो लेवल आता है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड चेतन मन और अवचेतन मन एक नया ब्रांच मेडिसिन में शुरू हुआ है जिसको बोलते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन एलएसएम कुछ यूनिवर्सिटीज में हार्वर्ड में स्टैनफोर्ड में इस पर कोर्सेज भी आ गए हैं इस लाइफ स्टाइल मेडिसिन के अंदर माइंड बॉडी कनेक्शन पर माइंड बॉडी मेडिसिन पर भी काम हो रहा है तो जो हम यहाँ पर उपनिषद से आई हुई मनोमय कोश के अनुमय कोश के रिलेशन को समझ रहे हैं वो लेटेस्ट मेडिकल साइंस के अंदर भी थोड़ा थोड़ा आ गया है माइंड बॉडी मेडिसिन के रूप में हमारा चेतन मन अवचेतन मन किस प्रकार हमारे शरीर को प्रभावित करता है ये हमारे माइंड से रेगुलेट होता है डॉक्टर से पूछो कि प्रोग्राम में हम सबसे ज़्यादा फोकस मन पर रखते हैं बहुत लोगों को एक्ुपेस अट्रैक्ट करता है एनर्जी देखिए एनर्जी से भी ज़्यादा पावरफुल मन है अगर माइंड से अगर आपका विल पावर अच्छा हो गया अगर माइंड से आपके भीतर पॉजिटिविटी आ गई तो एनर्जी तो हम उठा सकते हैं एनर्जी तो हम बढ़ा सकते हैं एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं जैसे मैं अभी अपना हाथ हिला रहा हूं, अगर आपके पास एक अच्छा ध्यान है ध्यान की स्थिति है तो आप अपने चक्रों को वैसे हिला सकते हैं अपनी नाड़ियों को में, में प्राण ऊर्जा सूर्य ऊर्जा और पृथ्वी ऊर्जा को मूव कर सकते हैं ऊर्जा पर काम करना उतना मुश्किल नहीं है जितना मन पर है क्योंकि मन के अंदर जो हमारी इमोशंस होते हैं माइंड के तल पे दो चीजें इमोशन और थॉट्स भावनाएं और विचार इमोशन के अंदर आता है खुशी का इमोशन गुस्से का इमोशन डर का इमोशन और विचार के अंदर आता है अलग अलग तरह के विचार पॉजिटिव विचार निगेटिव विचार ये ठीक है ये ठीक नहीं है जो भी लोग चिंता करते हैं चिंता का मतलब क्या है यह ठीक नहीं हो रहा है लुई है ने माइंड पर काम करके अपना कैंसर ठीक किया फिर उन्होंने लोगों को हेल्प करने लगी कई लोगों की कई बीमारियां ठीक हुई उनकी पुस्तक जो है यू कैन हील योर लाइफ जिस पर पीएमसी हिंदी पर मैंने भी स्वाध्याय किया है वो एक कल्ट बुक बन गई है हजारों लोगों ने इसको अपनाया है और इससे अपने मन को चेंज करके अपने आप को हील कर लिया है लुई हे का जो मेथड है वो मनोमय कोश पर है माइंड पर है कॉन्शियस माइंड चेतन मन हमें दिखता है सब कॉन्शियस माइंड नहीं दिखता है आप जो है आप चेतन और अवचेतन दोनों हैं। आपका कुछ बातें तुरंत दिख जाती हैं पता चल जाती हैं लेकिन मेजर पार्ट जो है वो नहीं दिखता है नहीं पता चलता है जब हम किसी पर व्यक्ति से बात करें कई घंटे कई दिन बात करें तो हम उसके बारे में सब कुछ जान पाते हैं तो टिप ऑफ द आइसबर्ग के रूप में इसको भी समझा जाता है कि हमें सिर्फ कुछ बातें पता हैं अपने मन की कुछ बातें जो पता है वो चेतन मन है कॉन्शियस माइंड हमको लगता है कि हम अपनी जिंदगी जो है वो चेतन मन से जी रहे हैं नहीं हम अपनी जिंदगी अब चेतन मन से जीते हैं सब कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड में जो जो इमोशन जो जो थॉट्स बसे पड़े हैं वही कॉन्शियस माइंड को चलाता है वही हमारे शरीर को चलाता है लेकिन हम इस बात को रिलाइज नहीं कर पाते रिलाइज करने के लिए आपको भीतर यह अवेयरनेस होना चाहिए कि हम मेरे भीतर ये ये चीजें हैं बचपन में माता पिता से या स्कूल से या कहीं से कोई बातें हमने सीख ली और भीतर बैठ गई हो सकता है वो सच हो हो सकता है सच नहीं हो अ कई तरह की बातें हम मान के रखते हैं ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है जो भी आपके मन में है उस पर क्वेश्चन करना सीखें क्या मैं जो भी जानता हूं या मानता हूं क्या यह सही है हमारे शरीर में जो भी रोग होता है हरेक का कारण मन के तल पर जरूर होता है मनोमय कोश के आगे विज्ञानमय कोश है जिसमें हम कर्मों की बात करते हैं भारतीय आध्यात्मिक दर्शन में कर्म सिद्धांत के बारे में तो सब जानते हैं हमने सभी ने सुना होगा जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान तो ये कर्म सिद्धांत की जो बातें हैं ये विज्ञानमय कोश कॉजल बॉडी के लेवल की है कर्म सिद्धांत के तल पर हम यहाँ पर ज्यादा चिंतन मन नहीं कर रहे हैं यहां पर डॉक्टर से पूछो का मेन फोकस मनोमय कोश माइंड पर काम करना है और थोड़ा सा इनर्जी बॉडी नाड़ियों पर काम करना है मेरे अनुभव के अनुसार अगर आप सिर्फ मन पर काम कर लेते हैं तो आप 90% परसेंट नाइन्टी परसेंट बीमारियों को घर बैठे ठीक कर सकते हैं कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है मेन स्ट्रीम मेडिकल सिस्टम में ऐसा कहा जाता है बीमारी लाइलाज है अगर आपका फोकस सिर्फ अनमय कोष है तो आपके लिए लाइलाज बीमारी रहेगी लेकिन अगर आप शरीर के अलावा ऊर्जा और मन को भी समझ सकते हैं उस पर काम कर सकते हैं तो कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है और इलाज भी बिना दवाओं पे है क्योंकि मन को ठीक करने के लिए या नारियों को ठीक करने के लिए कोई दवा हो सकती है क्या जो फिजिकल है वो फिजिकल पे काम करेगा और जो एनर्जी है वो एनर्जी पे काम करेगा जो मन है मन के अंदर सोचने का तरीका है हम कुछ सोचते हैं कुछ खास सोचते हैं अपने सोचने के ढंग को हम बदल सकते हैं लेकिन बदलने के पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मेरे मन में क्या क्या है कितनी बातें सही हैं कितनी बातें सही नहीं हैं। तो इसलिए हमें जीवन में चाहिए ध्यान का अभ्यास मेडिटेशन में हम बैठते हैं तो हमें पता चलता है मेरे भीतर कौन कौन से विचार चलते हैं जब ध्यान में आपके मन में विचार चलते हैं तो परेशान ना हो बहुत लोग परेशान होते हैं इतने विचार चल रहे हैं मैं क्या करूं अरे विचार है तो अब पता चल गया आपको विचार पहले भी चल रहे थे जब आप ध्यान नहीं ध्यान के अभ्यास में नहीं थे तब भी विचार चलते थे लेकिन फिर आप बॉडर नहीं करते थे जैसा चल रहा है जीवन चल रहा है अब थोड़ा से आप सजग हो गए हैं तो आप कंसर्न होते हैं कि मेरे ध्यान में विचार क्यों चलता है ध्यान में विचार चलता है इससे परेशान बिल्कुल ना हो बल्कि ये समझें कि विचार आए कहां से इनका कारण क्या है ऐसी कौन सी बात मैंने सुनी है या पढ़ी है या मान रखी है जिसके कारण यह विचार आ रहा है जो विचारों के उत्पन्न करने का जो कारण है जो बिलीफ सिस्टम है उसको समझकर उसे चेंज करने की जरूरत है तब जाकर हमारे विचार बंद होते हैं जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं बहुत लोगों ने यह मान रख रखा है कि मेरे जीवन में यह बीमारी है यह तकलीफ है यह ठीक नहीं है यह अच्छा नहीं है यह गड़बड़ है बल्कि सत्य तो यह है अगर आप गीता का सार पढ़ें या लुहे का यू कैन लाइफ पढ़ें आपको पता चलेगा हमेशा सही चीज ही होती है आपके कर्म के अनुसार आपके विचार के अनुसार जो आपको सीखने की जरूरत है आपके जीवन में हमेशा वो होता है कभी भी कुछ भी इधर से उधर नहीं होता अननेसेसरी का नहीं होता आपके लाइफ में आज जो भी चल रहा है वो सबसे परफेक्ट है आपको सीखने के लिए आपके आगे बढ़ने के लिए नथिंग इज रैंडम कुछ भी एक्सीडेंट नहीं है कुछ भी बाय चांस नहीं है जो होता है हमेशा अच्छा होता है अगर आपने भगवत गीता का सार कभी सुना हो या पढ़ा हो उसमें आता है जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है जो होगा अच्छा होगा इस अनंत सृष्टि में कुछ गलत या गड़बड़ होता ही नहीं है अगर आप टेढ़े मेढ़े चलते हैं तो आप गिरते हैं जब आप गिरे तो पृथ्वी ने नहीं गिराया और वो गिरना गड़बड़ नहीं था कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है वो जो गिरना है क्या वो गलत है नहीं वो गिरना सीखने का हिस्सा है जिंदगी में अगर हमें कुछ बीटर एक्सपीरियंस होते हैं कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें पसंद नहीं है यह जाने कि यह आपके सीखने का जिंदगी को समझने का सही ढंग से जीवन जीने के प्रोसेस में यह जरूरी हिस्सा है कोई भी बच्चा बिना गिरे चलना नहीं सीख सकता जब तक आप अपनी जिंदगी में पांच अपने आप को सही आध्यात्मिक रूप से नहीं समझ लें, जो आप चेतना के तल पर आत्मा के तल पर हैं जब तक आप अपने अनुभव से नहीं जान लें, जो पंच कोश हमारे भीतर हैं इन पांचों कोशों को समझते हुए इनके लेवल पे आप जब होशपूर्वक जीने नहीं लग जाए तब तक आपके जीवन में कुछ ना कुछ कभी ना कभी हो सकता है लेकिन कुछ हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है वो कुछ गलत नहीं है हमेशा जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है आपको सिखाने के लिए हो रहा है आप अपने मनोमय कोष के प्रति अपने प्राण में कोष के प्रति अनजान है बेहोशी में जिंदगी जी रहे हैं इसलिए हो रहा है अपने भीतर के सिस्टम को समझें अपने आप को समझें नो दाय सेल्फ अपने आप को पहचाने आपके जीवन से सारे रोग छू मंत्र हो जाएंगे चुटकियां बजाते ही सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी बहुत लोगों को यह बात आश्चर्यजनक लगेगा लेकिन बहुत ध्यानियों ने इस बात को पाया है कि ध्यान करते करते अचानक से उनकी बीमारी गायब हो जाती है ठीक हो जाती है और हर तरह की बीमारी के ठीक होने के अनुभव ध्यानियों के समूह में आपको सुनने को मिलेंगे यहां तक कि स्टेज फोर कैंसर भी ध्यान करते करते चुम हो जाता है ऐसे बहुत सारे एविडेंस अवेलेबल है मेडिकल साइंस जो है वो एविडेंस की बात करता है अल्टरनेटिव इनर्जी फील्ड में भी एविडेंस तो बहुत सारे हैं लेकिन वो एविडेंस पब्लिक डोमेन में नहीं है पॉपुलर नहीं है पीएमसी हिंदी का, का एक कर्तव्य है कि इसे पॉपुलर किया जाए ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने अपना कैंसर बिना दवा बिना सर्जरी ठीक किया है मैरी रस्ट ब्रेस्ट कैंसर हुआ था बिना केमो बिना सर्जरी ठीक किया इनका मैंने इंटरव्यू भी किया है माइंड टू मैटर इस पुस्तक को पत्री जी ने बहुत दिनों तक पॉपुलराइज किया है लगभग पांच कैंसर की स्टोरी है जो ध्यान करते करते ठीक हो गई चमत्कारिक ढंग से कैसे हो गया हमें मैकेनिज्म समझने की जरूरत है कोई चमत्कार नहीं हुआ कोई भगवान का या कोई बाबा का आशीर्वाद नहीं बरसा जब आप अपने आप को जानने चले अपने पंच कोशों के तल पर समझने चले जय जब आपने थोड़ा सा समझ लिया जब आपका माइंड चेंज हुआ आपका शरीर बदल बदल जाता है हमें स्वयं को जानने की जरूरत है हमें स्वयं में स्थिर होने की जरूरत है स्वस्थ शब्द का यही मतलब है सेवंथ अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे पर यह मैसेज म से हिंदी पूरी दुनिया को देना चाहता है स्वस्थ होना चाहते हैं आप ध्यान को अपनाएं और अपने आप में स्थित हो और अपने आप को पहचाने जाने आप कौन हैं, आप क्या हैं आप सिर्फ शरीर नहीं है आप मन नहीं हैं शरीर थोड़ा सा हिस्सा है मन थोड़ा सा हिस्सा है शरीर और मन दोनों का उपयोग करते हुए मन से जो ऊपर है चेतना कॉन्सियसनेस आत्मा उसके तल पर अपने आप को अनुभव से पहचान लेना और उस अनुभव के साथ आप मन का उपयोग कीजिए अपने शरीर का उपयोग कीजिए तो शरीर को फिर हम एक टूल की तरह यूज करेंगे एक उपकरण की तरह एक साधन की तरह अपने प्राण में कोश पर हम काम करना जानेंगे कि अगर मेरे भीतर आंख बंद करेंगे आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे कौन से ऑर्गन में कौन सा प्राण अभी अगर डिस्टर्ब हो गया है आप ध्यान में भाव करके आप उसको बदल सकते हैं या प्रकृति के संपर्क में जाकर सूरज के संपर्क में जाकर या पृथ्वी के संपर्क में जाकर बहुत सारी बीमारियों में मैं आपको बोलता हूँ कि सूर्य प्रकाश में जाएँ या पृथ्वी के संपर्क में जाएँ जैसे आज हेल्थ डे है हेल्थ डे के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है तो हार्ट डिजीज कैंसर कुछ दो तीन बीमारी दो तीन थोड़ी जी बड़ी बीमारियों की रिगार्डिंग मैं आपको जब बताने वाला हूँ तो कैंसर के मामले में सबसे इम्पोर्टेंट है या वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम प्रकृति के संपर्क में रहें सूर्य प्रकाश के संपर्क में हर दिन हमें सूर्य प्रकाश लेना चाहिए पंद्रह मिनट से आधे घंटे अगर हर दिन नहीं हो सके तो अल्टरनेट डे तो जरूर लें। अगर आप प्रकृति के संपर्क में रहते हैं तो आपका प्राणमय कोश बहुत आसानी से संतुलित रहता है कैंसर क्या है वास्तव में जो कोशिकाएं होती हैं वो अनरेगुलेटेड वे में डिवाइड होती है एक्सट्रीम पे उनके भीतर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है उसको वो फॉलो नहीं कर रही जब हम सूर्य प्रकाश में होते हैं तो सूर्य की किरणों के प्रभाव में चीजें हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो नॉर्मल होने लगती है कैंसर से बचाव में और कैंसर के इलाज में दोनों ही केस में सूर्य प्रकाश लेना सूर्य प्रकाश अपने ऊपर पड़ने देना बहुत जरूरी चीज है कई सारी बातें हैं मैं एक एक करके बताऊंगा प्रकृति सूरज और पृथ्वी हरियाली हम इनके महत्व को नहीं समझ रहे ये दुनिया एक ऐसी हो गई है कि या तो हम पैसों के लिए या अपने मन की आदतों के लिए अपने चीप इंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा समय व्यतीत कर देते हैं किस एक्टिविटी में कितना समय देना चाहिए यह होश नहीं है हमें मनी एक साधन है उसका उपयोग करने उसको जरूरत से ज़्यादा महत्व दे देने से हम अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं एल एस एम लाइफ स्टाइल मेडिसिन जो हो रहा है चल रहा है उसमें जब हम बात जब करें तो यह बात आती है कि आप अपना टाइम किस प्रकार से स्पेंड करते हैं इसके लिए आप जागरूक बने चौबीस घंटे में हम क्या देखते हैं क्या सुनते हैं क्या पढ़ते हैं कैसे आप बैठते हैं कैसे आप चलते हैं अपना चौबीस घंटे कैसे स्पेंड करते हैं वो ही लाइफ स्टाइल बनता है लाइफ स्टाइल में ही मेडिसिन या ट्रीटमेंट छिपा है लाइफ स्टाइल मेडिसिन जो धीरे धीरे बाहर आ रहा है इसमें बहुत आध्यात्मिकता है वैसे हमारी जो अध्यात्म की समझ है जो उपनिषदों से आई है वह तो काफ़ी गहरी है काफ़ी गहन है लेकिन फिर भी जो अभी जो मेडिकल फील्ड में जो रिसर्च हो रहा है जो चीज़ें बाहर आ रही हैं उसमें लाइफ मेडिसिन और लाइफ मेडिसिन के अंदर भी माइंड बॉडी मेडिसिन सबसे नज़दीक है और इसी माइंड बॉडी मेडिसिन पर काम करते हुए अमेरिका में एक डॉक्टर हैं डॉक्टर डीन ऑर्निस उन्होंने हर तरह के हार्ट ब्लॉकेज को बिना दवाई रिवर्स किया है पिछले 40 साल से वो रिसर्च कर रहे हैं हैरानी की बात है ऐसे डॉक्टरों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए इनके वर्क को चाहे तो पॉपुलर किया जाना चाहिए जो भी स्टेंट डाला जा रहा है हार्ट ब्लॉकेज में जरूरत नहीं है हार्ट ब्लॉकेज को आप प्राकृतिक तरीके से ठीक कर सकते हैं वैसे अगर आप थोड़े समझदार हैं रोज आपके जीवन में ध्यान है खुश रहना जानते हैं आप प्रकृति के साथ रहते हैं तो आपका हार्ट यूं ही हेल्दी रहेगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर अगर आप समझदार हैं तो पहले से अपना केयर कर लेकिन अगर ब्लॉकेज आ भी जाता है तो भी सर्जरी की जरूरत नहीं है डॉक्टर डीन और निस ने सीरीज ऑफ रिसर्च किए हैं जितने भी मेडिकल जर्नल हैं दुनिया में जो भी लीडिंग मेडिकल जर्नल हैं लैंडसेट जामा अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी सभी में रिसर्च बारी बारी से पब्लिश किया उन्होंने कैसे किया उन्होंने किया माइंड बॉडी मेडिसिन से लाइफ स्टाइल मेडिसिन से अपने जीवन में तनाव को कम करना जरूरी है और इस तनाव को कम करने के लिए वो मेडिटेशन सिखाते हैं ध्यान करो ध्यान से हमारे जीवन में तनाव कम होगा सभी बीमारियों का चाहे वो हार्ट डिज़ अटैक हो चाहे वो डायबिटीज हो चाहे वो कैंसर हो चाहे अस्थमा हो चाहे कोई भी नई बीमारी आज निकल जाए कोई नया वायरस आ जाए अगर आपके भीतर स्ट्रेस है तो ही आपको कोई बीमारी अटैक कर सकती है कोई वायरस अटैक कर सकता है मन के तल पर स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है तो माइंड बॉडी मेडिसिन में एलएसएम में उसको कम करने के लिए ध्यान है तो माइंड बॉडी मेडिसिन में या एल एस एम में मेडिटेशन एक पार्ट है यहाँ पर पी एम सी हिंदी में वो सबसे बड़ा पार्ट है हमारे अनुभव में यह आया है कि सबसे हेल्दी होने के लिए सबसे जरूरी जो चीज़ है वो है ध्यान मेडिटेशन मेडिटेशन से मिलता जुलता है माइंडफुलनेस प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस वो भी हम अपना सकते हैं मेट्रेशन से मिलता जुलता है योग निद्रा अपने शरीर के एक एक बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करना बिगनर्स योग निद्रा को भी अपना सकते हैं आप अगर आप बीपी के पेशेंट हैं या हेडेक है माइग्रेन है आप योग निद्रा डेली कीजिए दो हफ्ते देखिए आपका बीपी ठीक हो जाएगा आपका हेडेक गायब हो जाएगा माइग्रेन ठीक हो जाएगा योग निद्रा तैयारी है योग दिरा करते हुए फिर आप ध्यान पर आ जाए लेकिन हमें पता नहीं है कि किस किसका कैसे उपयोग करें तो हम अननेसेसरी का सफर करते हैं सफरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड हेल्दी होना जितना आप जानते हैं मानते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है बहुत आसान है हर बीमारी को ठीक करना बहुत ईजी है बस थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक ज्ञान स्वयं का ज्ञान चाहिए स्वयं में स्थित होकर जो मिलता है हमारे पास उपनिषद है तो हम जानते हैं पंच कोशों के बारे में उपनिषद के ऋषियों को किसने बताया होगा कि हमारे भीतर पांच कोश हैं? ध्यान से ही तो जाना होगा उन्होंने आप भी जान सकते हैं रोज ध्यान को अपनाएंगे तो आपको धीरे धीरे अपने बारे में पता चलेगा लगातार धैर्य रखते हुए ध्यान को अपनाते जाना चाहिए क्या विचार आ रहे हैं कितना मन भटक रहा है इन सब की फिक्र ना करें आप नियम से दिन में दो बार एक एक घंटे के लिए बैठिए एक एक घंटे नहीं बैठ पाते हैं शुरुआती है तो चलिए थोड़ा कम देर बैठ लीजिए लेकिन टारगेट रखें कि एक घंटे एक घंटे दो घंटे दिन में रोज बैठ सके जिस दिन संडे है जिस दिन छुट्टी का दिन है उस दिन तीन घंटे बैठिए आपको जिंदगी में कोई रोग नहीं होगा अरे हॉस्पिटल में जाकर आप लाइन लगाओ टाइम खराब करो उससे अच्छा है ना पहले ही आप ध्यान कर लो पैसा भी बचेगा दर्द से भी आप बचेंगे हेल्थ के कॉस्ट पर कोई प्रोफेशन नहीं करना चाहिए हेडेक लेकर अपना बीपी बढ़ाकर कोई काम नहीं करना चाहिए अगर आपके प्रोफेशन में हेडेक होता है बीपी बढ़ता है तनाव आता है तो अपने प्रोफेशन को चेंज करें कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में अपना प्रोफेशन चेंज कर सकता है हम हमें वैसा ही काम करना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे हमारे जीवन में तनाव नहीं आए और ध्यान भी हो बहुत सारे तनाव हम अन्य से श्री पकड़ लेते हैं यह सोचते रहते हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है अरे हर एक इंसान यही सोच रहा है कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है दूसरा क्या सोच रहा है उसकी फिक्र छोड़ें आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं बस इसको संभालें इसी को इसी को प्रॉपर कहा जाए तो लुई हे कहती है सेल्फ लव अपने आप से प्यार करो तो यह भी मनोमय कोश के अंदर आता है अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप खुद का केयर करेंगे अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो जब आपको दर्द होगा तब आप हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाएंगे अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप पहले से ही अपने जीवन में ध्यान को अपनाते रहेंगे स्वस्थ होने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आंख बंद करके ध्यान में बैठना हर दिन दो बार उससे कम नहीं चलेगा बहुत लोग ध्यान करते भी हैं पांच मिनट के लिए करते हैं अरे पांच मिनट से क्या होगा आपको प्यास लगती है आपको एक गिलास पानी चाहिए आप दो घूंट पानी पिए उससे क्या होगा पीना नहीं पीना के बराबर है वो। मिनट ध्यान ध्यान नहीं होता, होता है एक घंटे और जब थोड़े अच्छे हो जाएं, तो होता है तीन घंटे पूर्णिमा के दिन ध्यान अधिक शक्तिशाली होता है उस दिन आप तीन घंटे के लिए बैठिए आप अपनी मर्जी अनुसार किसी भी छुट्टी के दिन बैठ सकते हैं देखने के लिए अगर आप एक घंटे बैठने का अभ्यास कर रहे हैं तो क्या मैं बैठ पाता हूं अगर आप अभ्यास करेंगे तो जरूर बैठ जाएंगे करत करत अभ्यास के जनमती हो सुजान अरे अभ्यास करने से क्या नहीं होता बार बार करने से बार बार प्रैक्टिस करने से बार बार ट्राई करने से वो होने लग जाता है कोई भी व्यक्ति तीन घंटे ध्यान में बैठ सकता है अगर वो ठान ले कि मुझे बैठना है तो अगर आप शुरुआती सुरुआ, अभ्यासी हैं तो एक घंटे का ठानिए एक घंटे से कम नहीं बिल्कुल बिगनर में मैं योग निद्रा बोल देता हूँ कि पंद्रह मिनट का योग निद्रा कर लीजिए आधे घंटे का योग निद्रा कर लीजिए लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद फिर ध्यान पर आइए अगर अच्छा क्लासिकल म्यूजिक आप रखते हैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक तो इससे ध्यान आसान हो जाता है सूदिंग म्यूजिक होने से हमारे मन को एक फोकस करना और फोकस कहाँ करना है अपनी सांसों पर करना है सांसों पर क्यों करना है क्योंकि सांसें जो हैं वो हमारे भीतर हैं और हमारे मन से वो जुड़ी है मन पर काम करना सीखना है स्वस्थ होने के लिए हमें अपने मन पे काम करना सीखना है कि मेरे मन में किस तरह के विचार हैं किस तरह की इमोशंस हैं ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने जर्नल लिखा करें कि मेरे भीतर किस तरह के विचार उठते हैं ध्यान के जो अनुभव होते हैं उसको लिखा करें जब आप लिखेंगे अपने विचारों के प्रति सजग होंगे तो जो अगर आपके निगेटिव विचार है या निगेटिव इमोशंस हैं उसको आप चेंज करने के लिए आप प्रयास करेंगे पता ही नहीं है तो फिर तो जिंदगी यूं ही कटेगी ध्यान में विचार आते हैं तो उससे पता चलता है उसे परेशान नहीं होना है उनको लिखना है क्या मेरे भीतर कौन से निगेटिव विचार हैं निगेटिव विचार को पॉजिटिव करने के लिए स्वाध्याय होना चाहिए सज्जन सांगत्य होना चाहिए जब हम पुस्तक को पढ़ते हैं जब हम अच्छी पुस्तक को पढ़ें तो हमारे पास ज्ञान आता है हमें समझ में आता है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए हमें मन पर काम कैसे करना चाहिए हमें ध्यान में गहराई में कैसे उतरना चाहिए गहरे ध्यान में उतरना कैसे कैसे उतरा जा सकता है स्वाध्याय हो सज्जन सांगत्य हो हम किन लोगों की संगति में रहते हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो पॉजिटिव बोलते हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं जो अपने आप को स्वस्थ रखने में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के साथ रहें अगर आप स्वस्थ लोगों अगर आप हेल्दी लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी हेल्दी हो जाएंगे अगर आप आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी आलसी हो जाएंगे स्वस्थ लोगों के साथ रहें तो स्वस्थ रहेंगे आलसी लोगों के साथ रहें तो आलसी हो जाएंगे तो अच्छे लोगों को पहचान कर उनकी संगति में रहें ध्यानीय लोगों की संगति में रहें जो स्वाध्याय करते हैं उनकी संगति में रहें अच्छे लोगों से मिलने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़े उसकी फिक्र ना करें और आज तो मोबाइल है और ऑनलाइन है बहुत आसानी से आप किसी से भी बात कर सकते हैं किन्हीं के साथ भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं ध्यान के अलावा स्वाध्याय और सज्जन संगति हमारे जीवन को प्रभावित करती है हम अपने विचारों के प्रति सजग बने अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें हम हमें अपनी चेतना को भी समझना चाहिए अल्फा थीटा डेल्टा गामा ऐसी इस, इस तरह से चार अवस्थाएं होती हैं अपने भीतर अल्फा को बढ़ाते जाना है हम शांत रहें कभी भी कोई भी बात आपको परेशान ना कर सके आप कितना कम घबराते हैं आप घबराने का उल्टा है रिलैक्स रहना आप कितने रिलैक्स रहते हैं ये स्वस्थ होने की एक पहचान है स्वस्थ मैं कितना स्वस्थ हूं इसको जानने के लिए क्या ब्लड रिपोर्ट से ही पता चलेगा इन्वेस्टिगेशंस वो क्लिनिकल पैरामीटर है अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो जरूरी है अगर आप खुद से अपना हेल्थ को जानना चाहें डॉक्टर बीएम हेगड़े एक रिटायर्ड कार्डियोलॉजिस्ट वो कहते हैं सुबह जगने के बाद आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कितना उत्साह है ये आपके स्वास्थ्य की निशानी है अगर आप एक्साइटेड जगते हैं कि हाँ मुझे आज ये करना है मेरी लाइफ में आज ये होने वाला है एक्साइटमेंट हेल्थ की निशानी है आप अपनी लाइफ को कितना इंजॉय करते हैं वो हेल्थ की निशानी है अपने हेल्थ को जानने के लिए हीमोग्लोबिन मेन पैरामीटर नहीं है दोस्तों ब्लड रिपोर्ट सप्... सप्लीमेंट्री है मेडिकल सिस्टम में चीजों को पहचानने के लिए खुद से पहचानने के लिए तो आप यह देखें कि आप कितने खुश रहते हैं आप कितने उत्साह में रहते हैं कितने एनर्जेटिक रहते हैं या आप बूझे बूझे रहते हैं आपको काम करते करते नींद आ जाती है अगर आप रात में समय पर सोते हैं सोने से पहले ध्यान को अपनाते हैं तो आपको काम करते करते नींद नहीं आएगी काम करते करते अगर नींद आती है इसका मतलब है कि आप अपनी नींद को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे आप नींद के घंटों को कटौती करना चाहते हैं नींद के घंटे को चुरा कर आप मोबाइल व्हाट्सएप देखने में समय लगाते हैं ये बीमार करने की तैयारी है रात में सोने का एक फिक्स समय होना चाहिए उससे आधे घंटे पहले एक घंटे पहले ध्यान में बैठिए और ध्यान करते करते निद्रा में जाइए अगर आप ऐसा करते हैं आपकी नींद अच्छी रहेगी स्वस्थ होने के लिए कोई भी बीमारी है हील होने के लिए अच्छी नींद का होना बहुत 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 जरूरी है डायबिटीज ठीक करना हो कि हार्ट डिजीज ठीक करना हो कि कैंसर ठीक करना हो जब तक आपकी नींद ठीक नहीं है कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती और अगर नींद ठीक है अच्छी है तो कोई भी चीज हो हम उसको ठीक करने के लिए जल्दी ठीक कर सकते हैं अच्छी नींद का होना बहुत जरूरी है कुछ लोग बोलते हैं ध्यान करते करते नींद आ जाती है ध्यान करते करते नींद आने का एक बड़ा कारण होता है कि जब आप रात में सोने का समय होता है तो आप ठीक से नींद नहीं ले रहे ध्यान करते करते नींद आ जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं है तो परेशान तो नहीं हो लेकिन हां आपको यह भी, भी जानना है कि सोने से पहले आप ध्यान में नहीं बैठ रहे सोने से पहले अगर आप ध्यान में बैठते हैं तो बहुत कम संभावना है कि ध्यान के दौरान नींद आएगी याद रख लीजिए इसको नोट कर लीजिएगा इस बात को ध्यान करते करते नींद आ रही है सोने से पहले आप ध्यान में नहीं बैठ रहे या फिर अभी कुछ ही दिन हुए हैं आप सोने से पहले आधे घंटे से एक घंटे का ध्यान रखिए नींद अच्छी जब होगी और सुबह अलार्म से मत जगिए। जितना अलार्म का कम प्रयोग करेंगे उतना आपकी नींद अच्छी रहेगी अपनी सोच से जगिए मुझे इतने बजे जगना है हाँ फ्लाइट पकड़नी है ट्रेन पकड़नी है तो अलग बात है नॉर्मल केस में हर दिन के लिए रूटीन बेसिस पर अलार्म मत लगाया करें आपकी नींद अच्छी रहेगी जब नींद पूरी हुई तब तो नींद खुल जाएगी नींद खुल जाए तो उठकर ध्यान में बैठ जाइए करवट बदलते मत रहिए जब नींद खुल जाए तो फिर ध्यान में बैठिए शुरुआत ध्यान से अंत ध्यान से जीवन में यह बहुत इंपॉर्टेंट है जन्म की शुरुआत बर्थडे हो ध्यान करना चाहिए डेथडे दे हो तो भी ध्यान करना चाहिए अगर हमने यह फॉर्मूला लाइफ में सीख लिया तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे आपकी उपस्थिति में दूसरे लोग स्वस्थ होंगे कुछ लोग होते हैं ना चार्मिंग होते हैं कि उनकी उपस्थिति में हमें अच्छा लगता है हम उनके पास होना चाहते हैं आपके जीवन में ऐसा होने लग जाएगा अगर आप ध्यान को रेस्पेक्ट करेंगे ध्यान को अपनाएंगे नींद को रेस्पेक्ट करेंगे अल्फा रिलैक्सेशन में हमें रहना चाहिए हम अधिक से अधिक रिलैक्स रहा करें हम कितने रिलैक्स रहते हैं इसका एक पैरामीटर हमारा पल्स रेट भी है आप अपने हाथ को अपनी कलाई पर रखकर आधे मिनट के लिए अपने पल्स को काउंट कर सकते हैं जो हेल्दी पल्स रेट होता है वो सत्तर से अस्सी होता है उसको आधा कर लीजिए थर्टी सेकेंड में पैंतीस बार धड़कना चाहिए अगर पैंतीस से आधे मिनट में पैंतीस यानी कि एक मिनट में 75 से अगर अधिक आता है अस्सी से अगर अधिक आता है तो ये इंडिकेटर है कि आप रिलैक्स नहीं हैं आपके जीवन में तनाव है तनाव ये नॉर्मल रहे तो भी हो सकता है लेकिन अगर पल्स रेट ज़्यादा है फिर तो तनाव ज़रूर है अगर आपका पल्स रेट सत्तर से पचहत्तर से एक मिनट में अगर ज़्यादा है तो आपको योग निद्रा करने की सख्त जरूरत है और वैसे मोबाइल में भी ऐप आते हैं और कोविड टाइम में तो पल्स ऑक्सीमीटर कई घरों में पहुंच गया आप पल्स ऑक्सीमीटर से अपना पल्स चेक कर सकते हैं मोबाइल में भी ऐप होते हैं जिनसे आप पल्स काउंट कर सकते हैं आपका पल्स रेट सत्तर से पचहत्तर के बीच में रहना चाहिए पचहत्तर से ज़्यादा है तो आप स्ट्रेस में जी रहे हैं आप अल्फा में नहीं रहते हमें खुली आंखों से अधिक से अधिक अल्फा में रहना चाहिए जैसे छोटे बच्चे रहते हैं छोटे बच्चे मस्त रहते हैं वो पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा देर तक याद नहीं रखते अगर हम मंकी माइंड में बीटा माइंड में रहते हैं हम पुरानी बातों को बहुत पकड़ के रखते हैं अरे पुरानी बातें छोड़िए आज में जिए किससे क्या झगड़ा हुआ किसने क्या बोला यह सब याद रखना बीमारी बुलाने का तरीका है कैंसर बुलाने का तरीका है कैंसर पर मैं विशेष फोकस आज कर रहा हूं थोड़ा क्यों कैंसर होता है कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण है फ्रस्ट्रेशन गुस्सा गुस्से को दबाना आप कई सालों तक किसी बात से कुटते रहिए फ्रस्टेट होते रहिए जो फ्रस्टेशन है एंगर है उसको जब दबाते हैं वह अपने भीतर तो वही हमारी कोशिकाओं को कैंसर में बदल रहा है लुई हे ने इस बात को रिलाइज किया माइंड बॉडी मेडिसिन में हमें यह बात सीखनी है कि अगर हम माइंड से अगर हम गुस्सा ग्रीड कर दें अगर ऐसा हो जाए कि हमें गुस्सा ना हमारे भीतर किसी भी बात के लिए फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा ना रहे किसी भी बात के लिए कंप्लेन ना रहे तो आपके शरीर में कैंसर नहीं टिक सकता वही किया मैरी रस्ट ने अपने ब्रेस्ट कैंसर को मेडिटेशन से ठीक किया कोई कीमो नहीं कोई सर्जरी नहीं को जानने जब जाते हैं तो खुद को जानने में सोल का पर्पस जानने में माइंड को जानना उसको पॉजिटिव बनाना एक स्टेप है एक माध्यम है आपके माइंड में निगेटिविटी ना रहे कंप्लेन भाव ना रहे गुस्सा ना रहे यह सीखना है कैंसर ठीक हो जाएगा कोई भी कैंसर हो किसी भी स्टेज का हो ये बात इंश्योर करें कि आपके भीतर आपके मन में किसी भी चीज के लिए गुस्सा फ्रस्ट्रेशन कंप्लेन ना रहे तो क्या करना है जीवन में समर्पण चाहिए स्वीकार भाव चाहिए अरे जीवन जो भी होता है वो भगवान की मर्जी से होता है हमने नहीं सुना भारत तो आस्तिक आज, देश है यहां सभी भगवान को मानते हैं अगर कोई भी पंछी पन, भी पर हिलाता है उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलाता तो जो भी हो रहा है अगर भगवान की मर्जी से हो रहा है तो हम कंप्लेन क्यों रखते हैं तो स्वीकार करना सीखें यह देखिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है आपके कर्मास क्या है अरे आप अपने कर्मास को इंप्रूव करें अपने तरफ से एक्शन को इंप्रूव करें अगर आप रिएक्शन नहीं देते हैं अगर आप रिएक्शन वाले कर्मा नहीं करते हैं तो आपके जीवन में भी कर्मा बदल जाएंगे कर्मों का सिद्धांत एक गहरा टॉपिक है लेकिन एक मुख्य बात हम ये समझ लें जो हम देते हैं वो मिलता है हम शिकायत को छोड़कर स्वीकार भाव में आए अपने कर्मों को देखें अपने रोल को देखें अपने जिम्मेदारी को देखें खुश रहना सीखें खुश रहने के लिए लुईहे ने अफर्मेशन सिखाया जो हो रहा है अच्छा हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है इस अफर्मेशन को आप बोलते रहें भगवत गीता के सार का तीन तीन लाइन में सार है जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है जो होगा अच्छा होगा इन तीन लाइन में आप बीच वाली लाइन पकड़ लें जो हो रहा है अच्छा हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है इसको रोज हजार बार बोलिए हजार बार लिखिए आपका कैंसर ठीक नहीं हो गया तो कहिएगा लूहे ने ठीक किया अपना कैंसर कई लोगों ने ठीक किया कई सारी बीमारियां अनगिनत बीमारियां ठीक हुई हैं अफर्मेशन करने से ऑल इज़ वेल जो हो रहा है अच्छा हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है यह सोचने से इस विचार को मनोमय कोश में बैठा लेने से जब आपके जीवन में स्वीकार भाव समर्पण भाव आ गया आपने स्वीकार कर लिया फिर जब रेसिस्टेंस खत्म हुआ लड़ना खत्म हुआ तो आपका बॉडी रिकवर कर जाता है हार्ट डिजीज हार्ट अटैक हार्ट है प्रेम का सेंटर दिल से हम प्यार करते हैं जब किसी को बोलते हैं थैंक यू बहुत बार बोलते हैं दिल से फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट थैंक यू हम थैंक यू अपनी लाइफ में क्यों नहीं करते अरे हर दिन सुबह जगते ही थैंक यू से लाइफ शुरुआत किया करें रात में अच्छी नींद आए उसके लिए थैंक यू घर में बिजली है उसके लिए थैंक यू आपके पास बेड है उसके लिए थैंक यू अरे बहुत लोग के पास घर नहीं है बहुत लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है हम थैंक यू क्यों नहीं करते धन्यवाद भाव देने से आपका हार्ट हेल्दी रहता है खुश रहने से हार्ट हेल्दी रहता है आपको हार्ट अटैक हार्ट ब्लॉकेज कभी नहीं हो सकता हार्ट ब्लॉकेज पे मेरा डेडिकेटेड सेशन भी है एक घंटे का उसमें मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए हैं एच डी सेवन जिसको आप रेगुलर करेंगे आपको लाइफ में कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता लेकिन ये एनर्जी लेवल की बात है आप माइंड लेवल पे खुश रहना सीखिए और धन्यवाद देना सीखिए ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड अगर आपके जीवन में ग्रैटिट्यूड है आप हर कि, किसी भी कोई भी पर्सन आपको थोड़ा सा भी हेल्प करे उसको आप बार बार थैंक यू बोला करें फिजिकली बोलिए मेंटली बोलिए आपका हार्ट हेल्दी रहेगा अपने आप को हेल्दी करने के लिए हम कई डायमेंशन पे काम कर सकते हैं भोजन पर ऊर्जा पर मन पर कर्मों पर सबसे पावरफुल है मन पर काम करना अपने माइंड को पॉजिटिव रखना सीखिए उसके लिए ध्यान जरूरी है ध्यान से आपको पता चलेगा कि मुझे मन में क्या बदलना है मेरे सॉफ्टवेयर में कौन सा करप्ट सॉफ्टवेयर है करप्ट ऐप है तो पता ही नहीं चलेगा जब तक दर्द होगा तब जाएंगे हॉस्पिटल बाहर से सिर्फ एलोपैथी सिस्टम में सिर्फ शरीर को देखा जा रहा है आप सिर्फ शरीर नहीं है आप शरीर से अधिक मन है और मन से अधिक आत्मा है चेतना है चेतना की बातें थोड़ी ज्यादा गहरी हो जाएंगी तो मैं अभी थोड़ा सा कम उसे ला रहा हूं अभी हम मन के तल पर ही चीजों को बहुत समझ रहे कर रहे हैं ऊर्जा मन और चेतना ये तीन लेवल पर हमें अपने आप को जानना है हर दिन ध्यान को अपनाएं आप बहुत आसानी से स्वस्थ रह सकते हैं स्वस्थ होना बहुत आसान है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ डे पर हमारी आपसे प्रार्थना है गुजारिश है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए प्रोएक्टिव बनकर ध्यान को अपनाएं और अगर आप ध्यान को करते हैं तो दूसरे लोगों को ध्यान के लिए बोलिए तो बताइए अच्छी चीज़ों को बांटिए, जब हम अच्छी चीज़ों को बांटते हैं ना तो हमारे जीवन में वो बढ़ता है बी हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसे भेज कर पूछ सकते हैं हमारा शुक्रवार के, के एपिसोड में आपके सवाल जवाब लिए जाएंगे स्वस्थ रहें मस्त रहें ध्यान को अपनाते रहें पी हिंदी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद